हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया हुआ है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है। पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। पी एबी पे एक पॉइंट है, पी और एसी पे एक पॉइंट है क्यू। पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली सच डेट पी क्यू पैरेलल बीसी। जो लाइन पी क्यू है वो बीसी के पैरेलल दिया हुआ है। पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। प्रूव डैट द मीडियन ए डी, और जो ए डी है वो मीडियन है। प्रूव डैट द मीडियन ए डी ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी सी बाइसेक्ट्स पी क्यू। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो ए डी एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं हम पॉइंट ए से, ठीक है, और वो मीडियन बी सी को तो बाइसेक्ट कर रहा है बेस को। ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो मीडियन है ए डी वो पी क्यू को भी बाइसेक्ट करेगा। डैट इज हमें ये प्रूव करना है पी ई इज इक्वल टू ई क्यू, ठीक है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे पी क्यू पैरेलल बी सी। ये पी क्यू और बी सी आपस में पैरेलल है, ए डी इज मीडियन, और हमें प्रूव करके क्या दिखाना है पी ई इज इक्वल टू ई क्यू। तो काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन भी, स्टार्ट करते हैं इसको। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल। ये छोटा ट्राइंगल और इस पूरे बड़े ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर लें तो वहाँ से क्या आ जाएगा, पी ई अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी आ जाएगा। और फिर इस छोटे ट्राइंगल को और इस बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव कर लें तो वहाँ से भी आ जाएगा ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू ई क्यू अपॉन डी सी। तो ए ई अपॉन ए ई अपॉन ए डी दोनों ट्राइंगल में, दोनों साइड में कॉमन आ रहा है, तो फ्रॉम वन एंड टू करके हम सॉल्व करेंगे तो पी ई अपॉन बी डी इक्वल टू ई क्यू अपॉन डी सी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं तो समझ में आएगा। इन ट्राइंगल पी ए ई, इन ट्राइंगल पी ए ई एंड ट्राइंगल बी ए डी, दोनों ट्राइंगल में एंगल पी ए ई इक्वल टू बी एंगल बी ए डी, ये एंगल दोनों में ही कॉमन आ रहा है तो इसको पूरा नाम लिख लेते हैं, एंगल पी ए ई, नंबरिंग करके भी कर सकते हैं। एंगल पी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन। और क्या होगा, ये एंगल नंबरिंग कर देते हैं ज़्यादा इजी रहेगा, वन टू थ्री और ये फोर, ठीक है। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वन और टू क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल पी ए ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए डी बाई ए ए। सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, तो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो हो जाएगा पी ए, इधर का यूज नहीं है, हम ये लिखेंगे पी ई अपॉन, पहला और आखिरी लेटर लिए हैं तो यहाँ भी पहला और आखिरी लेटर लेंगे, पी ई अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। ठीक है, और ये हो गया हमारा इक्वेशन वन, इसको नाम देके छोड़ देंगे। उसके बाद फिर लेंगे इन ट्राइंगल क्यू ए ई, इन ट्राइंगल क्यू ए ई एंड ट्राइंगल सी ए डी, ट्राइंगल सी ए डी में, ठीक है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है तो क्यू ए ई एंगल क्यू ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये आ गया कॉमन। और एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल थ्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल क्यू ए ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाई ए ए सिमिलरिटी से, तो यहां भी हम साइड प्रोपोर्शनल करके लिख लेंगे तो ये आ जाएगा क्यू ई, पहला और आखिरी लेटर, तो यहाँ भी पहला और आखिरी लेटर लेंगे क्यू ई अपॉन सी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी, और ये हो गया हमारा इक्वेशन टू, नाम दे देते हैं इसको। तो फ्रॉम वन एंड टू से क्या कंक्लूजन आ रहा है कि ए ई अपॉन ए डी यहाँ भी आ रहा है और ए ई अपॉन ए डी यहाँ भी आ रहा है, तो फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या आ गया, पी ई अपॉन बी डी इक्वल टू क्यू ई अपॉन सी डी,
हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, पीई और ईक्यू को, पीई और ईक्यू को आपस में इक्वल दिखाना है। तो कैसे होगा, ये बीडी और सीडी आपस में इक्वल दिया हुआ है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या है, एडी मीडियन है, एडी मीडियन है, इसका मतलब क्या हुआ, बीडी और डीसी आपस में बराबर हो जाएगा, डेट इज यहाँ हम लिख लेते हैं एडी इज मीडियन, इसका मतलब हो गया बीडी इज इक्वल टू डीसी। तो यहाँ से क्या होगा, बीडी और डीसी को हम दोनों साइड से नेगलेक्ट काट देंगे, तो क्या बच गया, पीई इज इक्वल टू क्यूई। रीजन दे देंगे यहाँ पे कि बीडी इज इक्वल टू सीडी है, तो ये कैंसिल हो गया। तो बस यही हमें प्रूव करके लाना था, PE इज इक्वल टू QE बोलो, EQ बोलो, यहाँ एक ही बात है, PE इज इक्वल टू EQ हो गया। Hence ये जो प्रूव करना था, ड्रॉन फ्रॉम A bisects PQ, ये दिखाना था कि प्रूव डेट द मीडियन AD ड्रॉन फ्रॉम A टू BC bisects PQ, मतलब ये दिखाना था जो AD है वो PQ को bisect कर रहा है। Hence मीडियन AD bisects PQ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।